ओमेगा 3 एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो आपको अपनी डाइट में लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके इफेक्ट्स और उसके रिजल्ट्स आपके हेयर से लेकर आपकी स्किन से लेकर आपके हार्ट से आपकी मेमोरी से हर चीज से रिलेट करता है ओमेगा 3। मैंने जब लास्ट टाइम ओमेगा 3 पे वीडियो बनाया था तो बहुत लोगों ने जब उसे डाइट में लिया तो रिस्पॉन्सेज बहुत पॉजिटिव रहे। आज मैं बात करने वाली हूँ ओमेगा 3 के एक्चुअली बेनिफिट्स होते कैसे हैं और इसे अपनी डाइट में नेचुरली कैसे लिया जाता है। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी इस वीडियो में बात करूंगी ओमेगा 3 के ऐसे बेनिफिट्स के बारे में, अगर आपने अभी अपनी डाइट में नहीं डाला है तो अभी से शुरू करें। तो क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, स्पेशली अपने फ्रेंड्स में, अपनी किटी पार्टीज में, सो दैट एवरीबॉडी स्टार्ट यूजिंग इट। ओमेगा 3 फिश ऑयल में होता है DHA एंड EPA। ये दोनों बहुत ही असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी डाइट में होने चाहिए, स्पेशली टू मैनेज हार्ट प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि विद द टाइम हम बहुत तरह तरह का खाना खा रहे हैं, स्पाइसी होता है, उसके अंदर ऐसे फैट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी आर्टरीज को, आर्टरीज मतलब जो खून लेकर जाती हैं हार्ट तक, वो ब्लॉक हो जाती हैं। या फिर हम बहुत सारे केसेस सुनते आ रहे हैं कि विदाउट सिग्नल्स भी आप को पता ही नहीं चल रहा है और कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट से, हार्ट प्रॉब्लम से लोग अपनी जान तक दे रहे हैं। तो ऐसे में अपने हार्ट की केयर करना इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ओमेगा 3 में ऐसे दोनों ही इंग्रेडिएंट्स DHA एंड EPA ऐसे एसिड हैं जो पाए जाते हैं जो कि आपके हार्ट को, आपकी आर्टरी ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। कि अगर हार्ट रिदम एबनॉर्मल है, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, या आपकी आर्टरीज में कोई थक्का जमा हुआ है, कोई प्लेक है, उसको भी प्रिवेंट करता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि हार्ट अटैक के चांसेस या फिर स्ट्रोक आने के चांसेस को बहुत 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 कम करता है। EPA और DHA के इस कॉमन कॉम्बो में आप जो जॉइंट पेन्स रहते हैं या फिर कहीं सूजन, जैसे हम बोलते हैं ना शरीर के किसी एरिया में कहीं इंफ्लेमेशन हो रही है, स्वेलिंग बहुत जल्दी आती है, इरिटेशन जल्दी रहती है, रेडनेस जल्दी आ जाती है, उसको भी ये कर्व करता है। अब मैं बात करूंगी मेंटल हेल्थ की, जो कि एक्चुअली मैं बहुत बार बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा लिथार्जिक, डिप्रेस, सैड फील कर रहे हैं तो ऐसे में सिर्फ साइकोटिक मेडिकेशंस के साथ साथ ओमेगा 3 को हर डॉक्टर, हर साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्रिप्शन पे जरूर लिखता है। और सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चों की न्यूरोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी DHA बहुत 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 रिस्पॉन्सिबल है। जब बच्चे धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होते हैं, डेवलपमेंट को समझते हैं, ऐसे पकड़ना है, हाथ कहाँ यूज करने हैं, देखना कहाँ है, ऐसे में अगर DHA हो तो वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है। ओल्ड एज में जब अल्जाइमर्स डिसीज या डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स हम नोटिस कर पाते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा मेमोरी भूल रहे हैं या कहाँ पे रखी चीजें हैं नहीं याद आती हैं, बॉडी में इतना पावर नहीं रहता है, ऐसे में ओमेगा 3 के रिजल्ट्स बहुत 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 अच्छे हैं। तो अगर आप 20 ईयर्स अबव हैं और आप अपने आप को हार्ट वाइज, बॉडी के पावर वाइज, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो ओमेगा 3 को डाइट में जरूर ऐड करें। ओमेगा 3 अनफॉर्चुनेटली बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है तो इसे आपको अपने ओवरऑल खाने से ही लेना पड़ता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी हेल्थ और आपकी लॉन्जेविटी, मतलब आप जितना अच्छे से रहेंगे, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी, उतनी ही लंबी लाइफ आप जिएंगे, तो लॉन्जेविटी और हेल्थ के लिए भी बहुत 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 एसेंशियल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए जरूरी ये है कि ये आपके ओवरऑल बॉडी की इन्फ्लेमेशन, आपकी लुक, स्पेशली आपके हेयर, मैं बात कर रही थी ना आपके हेयर से लेकर आपके नेल्स तक, इन सब में ग्लो लाने के लिए या आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा रखने के लिए, पफी रखने के लिए भी ओमेगा 3 बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हार्ट के लिए तो ओमेगा 3 का कोई मुकाबला है नहीं, क्योंकि जैसे मैं छोटे छोटे इनिशिएटिव लेती रहती हूँ आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए, ताकि आप ओवरऑल भी हेल्दी फील कर सकें, आप भी अपनी हेल्थ का इतना ही ध्यान रखते होंगे। क्योंकि अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप फिजिकली, इंटरनली, मेंटली कैसा फील कर रहे हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए आपकी हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे टिप्स को आपने फॉलो जरूर करना है ताकि आप अपेयरेंस वाइज, इंटरनली भी बहुत अच्छा फील करें। तो क्या करना है,
आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को जरूर दिखाएं, और हमारे नए चैनल लवोलॉजी सीखो ऑन लव एंड इंटीमेसी एंड साइकोलॉजी सीखो ऑन मेंटल हेल्थ, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। पर्सनली जुड़ने के लिए www.drnehamehta.com कनेक्टेड रहें। बहुत जल्दी एक और वीडियो।